या बोला सर, रवींद्र वायकर आहे, हिंदी सिंधीकडे काल प्रवेश केला. त्याच्यावरती माझं मत घेण्यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्याच्याविषयी काय वाटतं, देवेंद्र फडणवीस यांचं काय मत आहे, आणि मुख्य म्हणजे हा जो मुलुंडचा नागडा पोपटलाला आहे तो कालपासून आत्मदे कडी लावून बसलेला आहे, जो वायकरांना तुरुंगात टाकणार होता, हा ज्याने सातत्यानं रवींद्र वायकर यांच्यावरती आरोप केले, ज्याने सातत्यानं ईडीकडे तक्रारी केल्या, तो मुलुंडचा नागडा पोपटलाल वायकरांच्या प्रवेशानंतर मुलुंडला आपल्या घरी आतून कडी लावून बसलेला तो बाहेर पडायला तयार नाही, त्याला बाहेर काढा आधी आणि त्याचं मत घ्या. त्याला विचारा की आता वायकर हे वॉशिंगमध्ये गेले आणि तुमच्याकडे आले, आता तुझं या सगळ्यावरती काय मत आहे. आमच्याकडे असताना आरोप करायचे, गुन्हे दाखल करायचे, अटकेच्या धमक्या द्यायच्या, कुटुंबाला त्रास द्यायचा, आणि मग त्या भीतीपुटे एखादा माणूस दुसऱ्या त्या पक्षात गेला, फडणवीस, शिंदे गट, अजित पवार गट, की तो पवित्र होतो, तो स्वच्छ होतो. वायकरांच्याही तसंच झालं, पण शेवटी माणसानं हिंमत दाखवायची असते. लढाईच्या वेळेला पळून जाणारे यांची नोंद इतिहासात होत नाही, लढणाऱ्यांची नोंद होते. ठीक आहे, त्यांचा निर्णय त्यांनी घेतला जरी असला, तरी याच्यात नाचक्की झाली आहे ती भारतीय जनता पक्षाची आणि त्यांच्याबरोबरच्या त्यांच्या तथाकथित मित्र पक्षाची. तुम्ही कालपर्यंत वायकरांना तुरुंगात टाकायला निघाला होतात ना, त्यांना त्यांच्या कुटुंबियांना भ्रष्टाचाराचे काय मोठे मोठे आरोप केले होते तुम्ही, मग आता त्या आरोपांचं काय झालं. माझं मीडियाला आव्हान आहे, हे भांडुपला माझ्याशी तुम्ही बोलताय, बाजूला मुलुंड आहे, ज्याने वायकरांचा छळ केला या सगळ्या वर्षभरामध्ये, तो मुलुंडचा नागडा पोपटलाल आता कुठे आहे. वायकरांच्या प्रवेशानंतर त्याने स्वतःला कुठे कोंडून घेतलंय, त्याने आता बोलावं, रिॲक्शन जाऊन त्याची घ्या, प्रधानमंत्री मोदीची घ्या. हां, ना खाऊंगा ना खाणे दुंगा. मग का आता वायकरांची जी का 500 कोटीच्या प्रॉपर्टीवर जो काय तुम्ही दावा सांगितला होता भ्रष्टाचाराचा, मग त्या 500 मधले तुम्ही भाजपा मिंदे याच्यात का 500 कोटी वाटून घेतले का, आणि 100 कोटी भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक निधीमध्ये टाकले इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वगैरे घेऊन. तर मोदीला विचारा जाऊन, बोला सर. कल तक जिनके ऊपर ईडी की कारवाई हो रही थी वही रवींद्र वायकर आज एकनाथ. कल तक देखिए, रवींद्र वायकर एमएलए है पार्टी के, शिवसेना के नेता भी है, हमारे साथी रहे, बहुत ही तनाव और दबाव में थे, क्योंकि जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, ईडी सीबीआई के नाम से धमकाया जा रहा था, तो बेचारे वो चले गए. 500 करोड़ का घपला किया, ये किया, वो किया, वो तुम्हारा जो है ना कोई मुलुंड का नंगा पोपटलाल, अब उसको जाकर पूछिए कि आपने जिस वायकर के ऊपर एक के पीछे आरोप किए थे, अब उसका क्या हो गया, वो तो आपके साथ आ गया, कल से उस बंद बंद कमरे में बैठा है, वो दरवाजा नहीं खोल रहा है वो सोमैया. हाँ, तो आप जाकर पूछिए उनको, नरेंद्र मोदी जी को पूछिए, देवेंद्र फडणवीस को पूछिए. भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात आप करते हो ना, लेकिन जब कोई आपके साथ आता है भ्रष्टाचार, तो वो पवित्र हो जाता है. रवींद्र वायकर को इसी तरह से प्रताड़ित किया गया, वो डर गए बेचारे और भाग गए. पश्चिम बंगाल में भी यही हो गया. तपस राय, जिसको कल तक बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी कहते थे, वो जब बीजेपी में आ गए 24 घंटे में, तो पवित्र हो गए.
इस देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई इस तरह से चल रही है। जब हमारे साथ है तो भ्रष्टाचार और आपके साथ है तो पवित्र। सर एकनाथ शिंदे जी और दोनों डीसीएम आज दिल्ली में जाने वाले अमित शाह से मिलने के लिए, तो क्या कहेंगे कि मुंबई को दिल्ली के सामने झुकना पड़ रहा है? ये तो हम दो साल से बोल रहे झुक गए हैं, चरणों में बैठे हैं, जूते साफ कर रहे हैं दिल्ली के। शिवसेना कभी दिल्ली में जाकर सीटों का बंटवारा दिल्ली में जाकर कभी शिवसेना नहीं करती थी, हम लोग नहीं गए। जो ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की है, हम यहाँ बैठकर बंटवारा कर रहे हैं और जो हमारा अधिकार है शिवसेना का वो हम ले रहे हैं। लेकिन हम कभी दिल्ली में जाकर सीटों का बंटवारा नहीं किया जो आज ये दो लोग कर रहे हैं। शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष थे, उनका पार्टी का सीट शेयरिंग मुंबई में होता था। उद्धव ठाकरे जी का जब शिवसेना के सीट शेयरिंग का मामला आता है हम मुंबई में करते हैं और पहले भी किया है। अब उनको तो सुबह जाते हैं दिल्ली में, रात को बैठते हैं वापस चले जाते हैं, वापस दूसरे दिन दिल्ली चले जाते हैं। देखेंगे क्या होता है। सर आपने संतोष पंगर आप सामना में आज आपने अभी कहा है कि इलेक्शन के पहले जो है वो इस्तीफा दे देते हैं, तो उसके पीछे राज क्या है? हाँ राज क्या है बता देना चाहिए ना सरकार ने उसके ऊपर। मैंने पहले भी अभी नया आदमी बीजेपी का कोई वार्ड अध्यक्ष को वहाँ लगा देंगे नौकरी को, और क्या कर